कथित रेप मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਥਿਤ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਆਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਕੌੜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ खारिज कर चुकी है। अजय विचकार उसको फिर उस तो बाद भगौड़ा करार दिता गया। लुधियाना पुलिस ने शनिवार को दस दी कि बैंस के भरा करमजीत नू गिरफ्तार किया सी, और उस तो बाद हुने क्यास ने कि अज सिमरजीत बैंस किसी वेले भी सरेंडर कर सकते ने। तो कथित रेत मामले के विच घिरे सिमरजीत बैंस, जो कि पहला ही मुश्किलों में घिरे हुए ने, जमानत अर्जी उन्होंने खारिज कोर्ट ने कर दी थी और उस बाद भगौड़ा करार दिता गया। लगातार फरार चल रहे हैं, हुण अज मनिया जा रहा है कि किसी वेले भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। रेप मामले के विच सिमरजीत बैंस भगौड़ा चल रहा है। दस दी कि लुधियाना पुलिस ने शनिवार को बैंस के भरा करमजीत नू गिरफ्तार किया सी, और उस तो बाद हुण इस क्यास लगाए जा रहे हैं कि अज सिमरजीत बैंस सरेंडर कर सकते हैं। नवीन शर्मा के गल करते हैं। नवीन, जिस नाल एक कथित रेप का जोड़ा मामला सी, जिस विच लगातार बचते आए सन सिमरजीत बैंस, लेकिन हुण हर तरफ तो घिरे हुए ने और यह मनिया जा रहा है कि अज वो सरेंडर कर सकते हैं किसी वेले भी। की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि राधा इस पूरे रेप मामले के विच सात लोगों से एफआईआर दर्ज हुई थी, और उस तो बाद करमजीत बैंस ने जिस तरह के गिरफ्तार किया, अदालत में पेश किया, दो दिन के रिमांड से लिता। सो दो दिन तक पुलिस पूछगिछ करेगी, बाकी जो आरोपी है उन्होंने बारे जी है वो पूछगिछ के दौरान भी वो कितने करमजीत बैंस रहा और बाकी आरोपी कितने ने, क्योंकि करमजीत बैंस का एक मोबाइल भी रिकवर किया, उस मोबाइल की लोकेशन दी देखी जाएगी। पर इस जी सूत्रों तो खबर मिल रही सानू, क्योंकि सिमरजीत सिंह बैंस अज आत्म समर्पण कर सकते हैं, खुद सरेंडर कर सकते हैं अदालत के, और यह भी खबर मिल रही ने कि मीडिया को नाल लैके वो अज सरेंडर करेंगे, और 11 बजे का जोड़ा समा वो सानू जोड़ा पता लग रहा है कि 11 बजे के करीब सिमरजीत सिंह बैंस अपने आप अदालत के आत्म समर्पण कर सकते हैं। सो पिछले 2021 के डेढ़ साल करीब इस पूरा रेप मामले में हो गया, जो एफआईआर हुई थी उस तो बाद लगातार जी पीड़िता वो लुधियाना के पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर राधा लगातार सिमरजीत सिंह बैंस की फोटो लैके, और पिछले जी सरकार कांग्रेस की रही है उसके सबका मंत्री भारत भूषण आशू की फोटो लैके उसे लगातार कर रही है, और अज भी कर रही है कि सिमरजीत सिंह बैंस को जल्द गिरफ्तार किया जाए। कि ना कि पुलिस के उत्ते काफी सवाल उठते रहे ने पिछले दिनों के, पर जिस तरह के हुण करमजीत बैंस जो सिमरजीत सिंह बैंस के भरा ने उन्हां दी गिरफ्तारी हुई है उसकी, और उसनों रिमांड लिता, पर हुण लगता कि जिस तरह के खबर ने कि सिमरजीत सिंह बैंस खुद हुण आत्म समर्पण करेंगे, क्योंकि इस पूरे रेप मामले के सात लोगों से एफआईआर है, 6 जिहड़े बाकी आरोपी है उन्होंने परमजीत सिंह बैंस पम्मा सिमरजीत सिंह बैंस का जिहड़ा भरा है, और सिमरजीत सिंह बैंस खुद और करमजीत सिंह बैंस, तीन भरावां ते इह एफआईआर है, और एक ड्राइवर है, एक पीए है, और ये जिहड़े बाकी हुण 6 आरोपी है पुलिस की जल्द गिरफ्त च होणगे। पर अज सिमरजीत सिंह बैंस जिस तरह सूत्रों को खबर मिल रही है कि सिमरजीत सिंह बैंस अज आत्म समर्पण कर सकते हैं लुधियाना की अदालत के। जी राधा जी, नवीन शुक्रिया फिलहाल दी इस सारी जानकारी। सो अज मनिया जा रहा है कि 11 बजे करीब जोड़ा है सरेंडर सिमरजीत बैंस वालों किया जाएगा। रेप मामले भगौड़ा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट सिमरजीत बैंस की इस पहला जमानत अर्जी भी खारिज कर चुकी है। अजय विचकार देखना होगा कि अज क्या वाकई सरेंडर करते हैं या नहीं।